तो देखिए इस टाइम में आ चुका नैन। तो ये देख सकते हैं हम लोग एक हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसा नैली। और जो आजकल ब्लॉग है फिर से नैनीताल के वेदर के उसमें टूरिज्म के उस पर, क्योंकि नैनीताल में जो है ना आज बादल लगे हुए हैं तो कभी बारिश हो सकती है, ठंडा नैनीताल में बढ़ चुका है और सुबह शाम का ठंडा भी देगी। जैसे मैंने जैकेट पहन रखी है तो अब तो नैनीताल में ठंडा है और पर्यटक बहुत कम है, ना के बराबर पर्यटक हैं, तो सीज़न तो चल नहीं रहा, ऑफ सीज़न है। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के ब्लॉग, मेरे ब्लॉग में बनी रहेगा, स्किप करके मत देखना है तो कुछ ना कुछ जानकारी आप छोड़ देंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं इस टाइम मैं हूँ जामा मस्जिद के पास और यहाँ का वेदर ये देख सकते हो आप नैनीताल का, आज बादल लगे हुए हैं ये, तो धूप तो हल्की बहुत कम आ रही है आज। और आप देख सकते हैं कि पूरा डी एस है हमारा का जो फील्ड है पूरा खाली हो चुका है ये, तो ये देख सकते हैं इसमें आप, उधर कार पार्किंग बनी हुई है। और अब इसमें जो है क्रिकेट का टूर्नामेंट चलेगा तो पूरा हमारा फील्ड जो है पूरा खाली हो चुका है ये। और जो सीज़न है सीज़न ना के बराबर है, बिल्कुल टूरिस्ट है नहीं नैनीताल में, बहुत कम टूरिस्ट है नैनीताल में, तो इतने तो टूरिस्ट रहते ही हैं लेकिन पूरा ऑफ सीज़न चल रहा है नैनीताल में। और परसों से हमारा नवंबर लग जाएगा तो फिर नवंबर में देखते हैं क्या गतिविधि चलती है। जहाँ पर मेरा कैमरा ये डी एस है यहाँ पे कार पार्किंग की आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी, तो लोकल की भी हैं, टूरिस्ट की भी है, टैक्सी भी है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप लोग, अब चलते हैं लेक के पास। तो देखिए इस टाइम में आ चुका हूँ नैनीताल के साथ नैनीताल के लेक के पास और कुछ इस तरीके से वेदर बना हुआ है और इस तरीके से कुछ नज़ारा है देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं सामने। देख सकते हैं आप लोग, तो इस टाइम मैं हूँ बैंड हाउस के अंदर, यहाँ पे थोड़ा खोल दिया गया है तो लोग आ ही रहे हैं बैंड हाउस के अंदर। तो देख सकते हैं आप लोग, वेदर जो है ठंडा है। तो ये है नैनीताल के स्थान नैनीताल। तो देखिए इस टाइम में जो सीढ़ियाँ यहाँ पे आके बैठ गया हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं सामने आपको जामा मस्जिद डी एस एफ ऑफिस नगर पालिका देखने को मिल रही है, इस साइड में लोग बैठे हुए हैं देखिए सब, और यहाँ से पूरा डी एस एफ फील्ड देखिए आप, पूरा खाली हो चुका है डी एस एफ का फील्ड। तो यहाँ पर अब चलने का क्रिकेट मैच, और इधर भी देखिए लोग बैठे हुए और उधर से पेड़ देखिए जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं आपको पेड़। आप लोग देख रहे हैं इस टाइम हम जा रहे हैं घर को गाड़ी से और इस टाइम हम हैं मस्जिद के पास, तो यहाँ से हम बाय रोड होते हुए जा रहे हैं घर को गाड़ी के माध्यम से, क्योंकि बहुत सामान भी था थोड़ा तो हमने सोचा गाड़ी से ही जाते हैं। ये देखिए फील्ड दिख रहा है डी एस ए का फील्ड और बगल में ही जामा मस्जिद है। अब यहाँ से हम राइट हैंड में टर्न लेंगे ये, इसी रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं। तो मैं सर थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो दिख रही है यहाँ पर गाड़ी पार हो जाती है, ये हम पहुँच चुके हैं हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट की बाउंड्री दिख रही है आपको, स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं स्कूल छुट्टी हुई, कलाकृति दिख रही है आपको। और इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ सुगा ताल, जहाँ भी आपने देखा काला डूंगी का ये मार्ग है लिखा था बोर्ड में। तो ये है देवदा लॉज और ये जो सामने गाड़ियाँ दिख रही हैं ना ये भी कार पार्किंग है, तो यहाँ भी आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं ये। तो ये सुगा ताल में स्थित है,
सामने हमारा ये काला डुंगी रामनगर काशीपुर की बसें खड़ी हैं सामने से। तो देखिए इस तरीके से जा रही है हमारी गाड़ी। ये पेट्रोल पंप है जस्ट बगल में। और यहीं पे हमारा आ गया है केव गार्डन, जहाँ पे आप गुफाओं में घूमते हैं। ये देखिए ये आ गया जस्ट मेन गेट, एक पर्यटक खड़े हुए हैं। और ये इधर की तरफ पूरा हमारा मार्केट और 7 नंबर। अब ये सामने इस तरीके से हम जा रहे हैं और यहाँ से पंगोड भी है। देखिए 13 किलोमीटर काला डूंगी 32 किलवरी 9। अब यहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे। देखिए आगे वाली गाड़ी भी टर्न लेने के लिए। तो इस तरीके से जर्नी रही हमारी घर की। तो देखिए ठंडे में धो रही हैं कपड़े, क्योंकि पानी आया है अभी और अभी ये धो रही हैं कपड़े। तो आपको ठंडे में कपड़े धोने में कैसा लग रहा है? धोने तो हैं। तो आप धो रही हैं मशीन धो रही हैं? मशीन धो रही है। अच्छा प्रोसेस तो हमें बता रहे हैं मशीन को। अच्छा प्रोसेस आप बता रहे हैं मशीन को। अच्छा तो पानी अभी आया है? पानी हल्का क्यों आ रहा है आज? कम खोलो, दे रहे हैं कम खोलो। तो पानी आज पता नहीं हमारे हल्का क्यों आ रहा है। ये धो रहे हैं कपड़े और यहाँ से थोड़ा व्यू प्यारा दिखता है, तो आपको व्यू दिखाया जाए। ये देखिए शानदार व्यू, कुछ इस तरीके से व्यू नज़र आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, एक स्वेटर इजी में इन्होंने भिगो रखा है, कीमती स्वेटर है ये। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल अलग से धोऊंगी, बिल्कुल साफ करके धोऊंगी। तो ये देख सकता हूँ।